गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम है मेरे चैनल में। दोस्तों आज हम लोग फिर से चर्चा करने वाले हैं यूपीएससी 67वीं का जो मेन का रिजल्ट है, क्यों डिले हो रहा है और किस कारण से डिले हुआ है और कब तक रिजल्ट आएगा। सुबह में एक वीडियो हम दोस्तों अपलोड किए थे चैनल पे, बहुत लोग कमेंट गलत सलत किया है लोग, लेकिन वीडियो का मकसद नहीं समझा लो। हम नोटिफिकेशन दिखाना चाह रहे थे कि नोटिफिकेशन अभी कुछ है नहीं रिजल्ट का, और नोटिफिकेशन वेबसाइट का हम पूरा डाले हैं, स्क्रीनशॉट भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ समझ नहीं पाया है और गलत सलत कमेंट कर रहा था लोग, अच्छा नहीं लगा दोस्तों। अभी हम इस वीडियो पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि बीपीएससी 67 का जो 67वीं का जो मेन का रिजल्ट है कब तक आएगा और किस कारण से रिजल्ट पेंडिंग है अभी। दोस्तों चलते हैं, बीपीएससी का एक न्यूज का एक है, बीपीएससी 67वीं मेन से रिलेटेड न्यूज है। बीपीएससी 67वीं मेन रिजल्ट कब तक आएगा, बीपीएससी 67वीं मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जानिए लेटेस्ट अपडेट। यह दोस्तों हिंदी न्यूज 18 का एक आर्टिकल है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, बीपीएससी 67वीं मेन रिजल्ट बीपीएससी 67वीं मुख्य परीक्षा के में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। गौरतलब है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा 67वीं मेन का आयोजन दिसंबर माह में कराया गया था। परीक्षा 29, 30 और 31 दिसंबर को 2 पालियों में हुई थी। इस अब उम्मीदवारों को इस रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। बता दें कि आयोग परीक्षा का रिजल्ट जल्दी जारी करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट से मिल रही जानकारी के अनुसार बीपीएससी रिजल्ट जारी करने के लिए कोर्ट के क्लियरेंस का इंतजार हो रहा है। दोस्तों ये मामला फंसा है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में किस कारण से फंसा है और कब उसका ऑर्डर आएगा, इसके बारे में हम दोस्तों हम दिखा रहे हैं। इसमें हाई कोर्ट का ऑर्डर आपको दिखाएंगे। रिपोर्ट में आयोग के अध्यक्ष के हवाले से बताया गया कि परिणाम पूरी तरह से तैयार है और कोर्ट की मंजूरी मिलते ही जारी कर दी जाएगी। दोस्तों हम सुबह वाले वीडियो में भी बताए हैं कि रिजल्ट एकदम रेडी है और जब तक रिजल्ट का जब जारी कर दे, कोर्ट जब आदेश करेगा आयोग तभी तुरंत जारी कर देगा, सेम डे में उसी दिन जारी कर देगा। रिपोर्ट रिजल्ट जो है अपलोड है, उसको पब्लिक करना है, यानी पब्लिकली उसको शो बस करा देना है ऑनलाइन। फाइनल रिजल्ट तैयार है दोस्तों। हम लोग हाईकोर्ट के चैनल पे, हाईकोर्ट के पोर्टल पे चलते हैं दोस्तों, और एलपीए नंबर देखिए, यहाँ पे केस स्टेटस जो है यहाँ पर जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर एक खुलेगा, सिविल केस में दोस्तों जाना है, केस का स्टेटस जानना है और एलपीए में चल जाना है। देखिए लेटर पेंटेड अपील करके है, इस पर क्लिक कीजिए और इसका एलपीए नंबर 111 दोस्तों हुआ था दायर और 2023 में हुआ था। यहाँ पर इसका कैप्चा डाल देना है 053, शो कीजिएगा दोस्तों। शो करने के बाद दोस्तों ऐसा खुल के आएगा यहाँ पे देखिए आप, चूंकि यहाँ पे देखिए एलपीए नंबर 111 यहाँ पे दिखा रहा है और सिविल रिट जुरिस्डिक्शन केस है। सीडब्ल्यूजेसी नंबर इसका 17803/2022 करके 12 जनवरी 2023 को ये डेट फाइल हुआ था केस। 13 जनवरी को रजिस्ट्रेशन डेट हुआ था, फाइल हुआ था 12 जनवरी को। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका दिखा रहा है 30 लेटर पेटेंट अपील एलपीए है। ईस्ट चंपारण का जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट चंपारण से, पूर्वी चंपारण से कोई व्यक्ति इसको पिटिशनर है, हर्षित शरण करके पिटिशनर है, डाले हुए हैं। पिटिशनर का एडवोकेट का नाम है अभिनव श्रीवास्तव, रिस्पोंडेंट है द स्टेट ऑफ बिहार, बिहार सरकार के खिलाफ डाला गया है। रिस्पोंडेंट सरकारी जो वकील है पीके वर्मा है, उनका एक कोड है AAG3। अब फॉर जजमेंट के लिए है और एक पेंडिंग है, प्रेजेंट स्टेटस देखिए दोस्तों ये पेंडिंग दिखा रहा है और एक्शन डेट 5 सितंबर को इसका लास्ट सुनवाई हुआ है। करेंट पिटिशन पोजीशन इसका जजमेंट रिजर्व, यानी कि ये ऑर्डर के लिए रिजर्व, फाइनल हो गया लेकिन ऑर्डर के लिए रिजर्व रखा है हाई कोर्ट। कोर्ट जो है किस कोर्ट में है, तो द चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में रिजर्व में पेंडिंग है और ये ऑर्डर में चला गया है। इसका ऑर्डर जब हो जाएगा उसके बाद फाइनल आएगा। इसको देखिए दोस्तों कितना लोग पिटिशनर है, अवधेश कुमार चौधरी है, मुन्नी कुमारी, सब जगह सब लोगों का नाम और यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, कहाँ कहाँ के लोग हैं,
सब एड्रेस दिया हुआ, आप लोग हाई कोर्ट के पोर्टल पर जाके भी देख सकते हैं। उसके बाद इसमें देखिए कौन कौन उसमें आपका रिस्पोंडेंट है, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है यानी मुख्य सचिव बिहार के अंदर, स्पेशल सेक्रेटरी है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जीएडी का जो है वो स्पेशल सेक्रेटरी है, और उसके बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का है बेली रोड पटना, द चेयरमैन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, द सेक्रेटरी बिहार सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन, द ज्वाइंट सेक्रेटरी कम कंट्रोलर एग्जामिनेशन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इतना लोग मतलब रिस्पोंडेंट है। इन लोग को जवाब देना है हाई कोर्ट में जाके, जवाब जो दिया है लोग दे चुका है लोग। और उसके बाद देखिए रोशन और संजय एडवोकेट जो है पिटिशनर का है रोशन और रिस्पोंडेंट का संजय पांडे है। और देखिए कब कब दोस्तों इसमें डेट सुनवाई हुआ है कोर्ट में, उसका डेट दिया हुआ कौन किसके कोर्ट में मैंने किस जज के कोर्ट में हुआ उसका डिटेल नाम यहाँ पे दिया हुआ है, और किस डेट में ये लिस्ट हुआ है, एक्शन किस डेट में हुआ, एक्शन में क्या है, और नेक्स्ट उसका डेट कब आया, मतलब तारीख पे तारीख जो आप लोग सुने हैं फिल्म में कि तारीख पे तारीख कोर्ट में मिलता वही तारीख ये है, यहाँ पर देखिए तारीख है। लास्ट सुनवाई दोस्तों फाइल देखिए दोस्तों वह 3 फरवरी को है, सॉरी 3 फरवरी को नहीं, फाइल का डेट ऊपर दिया हुआ है यहाँ पर 12 जनवरी को हुआ है, और इसका पहला सुनवाई हुआ है 3 फरवरी 2023 को। उसके बाद लास्ट सुनवाई देखिए दोस्तों इसमें 5 सितंबर को हुआ है, चीफ जस्टिस के कोर्ट में हुआ है, और इसको 5 सितंबर को चीफ जस्टिस ने ऑर्डर को रिजर्व में मतलब कि रख लिया है, ऑर्डर को अपने अंडर में रख लिया, अब इसका ऑर्डर अब इसका सुनवाई कोई नहीं होगा, अब आदेश पारित कर देना है। केस का स्टेटस पेंडिंग है 10 अगस्त 2023 का, आइए फाइलिंग डेट है 10 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था, जो बीपीएससी के द्वारा जो भी मतलब कि आरोप जो पिटिशनर के द्वारा लगाया गया था, तो आरोप के संबंध में साक्ष्य बीपीएससी के द्वारा 10 अगस्त को फाइल किया गया था कोर्ट में, माननीय कोर्ट में, और माननीय कोर्ट ने 5 सितंबर को सुनवाई किया और जजमेंट को अपना रिजर्व रख लिया, जजमेंट अब देंगे, जजमेंट का डेट नेक्स्ट आएगा किस डेट को जजमेंट होगा। और दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है कि जो 3 फरवरी को जो स्टार्ट हुआ कोर्ट, जो हर्षित शरण पिटिशनर ने जो है उन्होंने क्या दिया था कोर्ट को रिजल्ट रोका जाए, उसके बारे में दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसका डिटेल है कि वो क्या मतलब किस टाइप का आवेदन दिए थे और कोर्ट के द्वारा क्या हुआ था। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे देखिए हर्षित शरण है अप्लियंट है, द स्टेट ऑफ बिहार है वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार रिस्पोंडेंट है, मिस्टर अभिनय श्रीवास्तव एडवोकेट है, मिस्टर पीके वर्मा IG 3 है। और इसमें मैटर क्या है देखिए, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पीबी बजरंगरथी जो भी है नाम हेयर द मैटर बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये मैटर सुनवाई हुआ, जो फर्स्ट सुनवाई हुआ पहला सुनवाई हुआ, मैटर रिक्वायर्ड फिजिकल हेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द वेरियस डॉक्यूमेंट, उसमें एक मिनट दोस्तों उसमें उसका फिजिकल जो फिजिकल हेयरिंग हुआ, जो एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट को मंगाया गया कोर्ट में, लर्नेड काउंसिल ऑफ द बीपीएससी रिक्वेस्टेड टू मैटर मे बी हर्ड अदर देन देन ऑन 4 फरवरी 2023 एंड इट इज द ऑल्सो द इंस्ट्रक्शन सबमिटेड द रिजल्ट ऑफ द मेन्स एग्जामिनेशन विल नॉट बी पब्लिश्ड शॉर्टली एंड आई विल टेक सम टाइम रिलीज्ड, देखिए यहाँ पर लगाया गया है कि इसका जो रिजल्ट है उसको तुरंत नहीं करना है, कुछ समय के बाद इसको पब्लिश करना है, और रिलीज दिस मैटर ऑन द 21 माने 21 तारीख को, फिर 21 तारीख को इसका डेट दिया गया कि 21 तारीख को फिर सुनवाई होगा। फिर चलते हैं दोस्तों लास्ट सुनवाई, अब हम डायरेक्ट चलते हैं लास्ट सुनवाई दोस्तों 5 सितंबर को हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बीच में आप लोग ये पढ़ सकते हैं देखिए 11 अगस्त को फिर हुआ, उसके बाद 29 अगस्त को हुआ, उसके बाद लास्ट इसका हुआ है 5 तारीख को, 5 को इसका लास्ट सुनवाई हुआ है, और 5 तारीख को क्या हुआ है इसमें हम आपको दिखा रहे हैं, चूंकि डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे आ जाइए, वही है हर्षित शरण आदर्श हो गया, बाद में लोग इसमें जुड़ते गया इस केस में, और जितना लोग जुड़ा सबको एक केस में इनबिल्ट कोर्ट ने कर लिया। उसके बाद देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें वकील देखिए कितना के एप्लीकेंट हो गया, अविनाश श्रीवास्तव एडवोकेट, बाकी इतना जो लोग है
सबको ये बीपीएससी की तरह से वकील है, फॉर द बीपीएससी। पीके साई है, पीके साई को आप लोग जानते होंगे, शिक्षा मंत्री भी रहे हुए हैं पीके साई, आप लोग जान रहे होंगे, बिहार के मंत्री भी रहे हुए हैं। उसके बाद इतना लोग है सब कोई। उसके बाद कोर्ट ने क्या किया है, ओरल ऑर्डर दिया है, ओरल ऑर्डर दिया है कि हेड लर्नेड काउंसिल फॉर द पार्टीज जजमेंट इज रिजर्व। यानी कोर्ट ने 5-9 को ये किया कि हमने जजमेंट को रिजर्व कर लिया, अब इसका आदेश ही देंगे, अगला कोई तिथि आएगा नहीं, और आदेश कब देंगे इसका डेट नहीं दिया है। लेकिन आशा ये किया जा रहा है, और जो बीपीएससी के जो के तरफ से जो भी वकील है, और पीके साई जो बहुत पहुंचे हुए वकील है, मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में, विधायक वगैरह एमएलसी वगैरह रहे हैं, तो इन लोगों के द्वारा ये आशा लगाया जा रहा है कि ये सितंबर माह में ही इसका जजमेंट ऑर्डर आ जाएगा। जैसे ऑर्डर आएगा उसी के अनुपालन में बीपीएससी सेम डे को ही रिजल्ट घोषित कर देगा। तो दोस्तों ऐसा आशा लगाया जा रहा है कि सितंबर माह के अंदर ही मतलब कि बीपीएससी का रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तो पूरा चीज है ऑनलाइन है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, बाकी इसमें कुछ छुपाना नहीं है दोस्तों, सब किसी को पता है क्या मैटर, आप लोग देख सकते हैं।